हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। मैतेई और कुकी क्यों बने हैं जान के दुश्मन? क्या है विवाद? क्या है पीएम मोदी की असली पीड़ा? मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की पूरी भूमि लगभग 10% के हिस्से पर ही उनका कब्जा है। मणिपुर करीब 80 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी है। इसके बावजूद राज्य में आए दिन हिंसा और प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। अब तक इस जाति हिंसा में 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। राज्य से हजारों लोग पलायन कर पड़ोसी राज्यों में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं। इस बीच मैतेई समुदाय के कुछ दंगाई लोगों द्वारा दो कुकी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड कराने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार जैसे अक्षम्य और जघन्य अपराध ने मणिपुर में जारी हिंसा की आग में घी का काम किया है। इस मामले ने पूरे देश को आक्रोशित करके रख दिया है। तो आइए कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा की वास्तविक कारण पर आज हम नजर इस वीडियो में डालते हैं। कौन है कुकी समुदाय? कुकी भारत की ही एक जनजाति है जो भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करती है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी समुदाय के लोग उत्तर पूर्व भारत में करीब सभी राज्यों में मौजूद हैं। मणिपुर की कुल आबादी में नागा और कुकी की जनसंख्या लगभग 40% है, लेकिन मणिपुर की 90% भूमि पर ये निवास करते हैं। ये दोनों समुदायों की आबादी मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। कौन है मैतेई समुदाय? मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि के लगभग 10% हिस्से पर ही उनका कब्जा है। मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में कुकी और ईसाइयों की आबादी लगभग 41% है। सियासी रूप से मजबूत है मैतेई समुदाय बड़ी आबादी के साथ साथ मणिपुर की सियासत में भी अपनी मजबूत पकड़ रखता है। राज्य विधानसभा में मैतेई का प्रतिनिधित्व अधिक है। यही नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। सियासी रूप से मैतेई समुदाय के लोग इसलिए अधिक मजबूत माने जाते हैं क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें इम्फाल घाटी क्षेत्र से हैं और इन क्षेत्रों में ज्यादातर इन्हीं समुदाय के लोगों का कब्जा है। मैतेई अधिक शिक्षित हैं और राज्य के व्यापार और राजनीति में कुकी और नागाओं की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या है मणिपुर विवाद का असली कारण? कुकी और नागा पारंपरिक रूप से एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। हालांकि अब बात मैतेई के खिलाफ आती है तो दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं। यही कारण है कि मैतेई समुदाय को दोनों से भिड़ना होता है। शुरुआती दिनों की बात करें तो कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों में मैतेई राजाओं ने ही बसाया था ताकि वे इम्फाल घाटी में मैतेई और घाटी पर आक्रमण करने वाले नागाओं के बीच में एक बफर जोन, एक ढाल अर्थात एक रक्षण क्षेत्र के रूप में काम कर सकें। 1993 में मणिपुर में भयंकर नागा कुकी हिंसा देखी गई थी, जिसमें 100 से अधिक कुकी नागाओं द्वारा मारे गए थे।
संघर्ष की वजह आरक्षण। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की असली वजह आरक्षण है। पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय सरकार की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, लेकिन मैतेई इस सूची में शामिल नहीं है। इसलिए मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुकी और नागा का आरोप है कि विकास के रूप में अधिकांश लाभ मैतेई समुदाय को मिलता है। विवाद तब और बढ़ गया जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा था। कुकी और नागा मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो वे जरूरत से ज्यादा नौकरियां और लाभ हासिल कर लेंगे। मणिपुर का कानून भी है विवाद की असली वजह। क्या है मणिपुर का विवाद? मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक और वजह है वहां का कानून, जिसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न तो रह सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और नागा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। इस बात को लेकर मैतेई समुदाय को आपत्ति है। अब आइए जानते हैं कि 3 और 4 मई को क्या हुआ था। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च अर्थात आदिवासी एकजुटता प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। यह मार्च कोकी समुदाय की ओर से आयोजित किया गया था। इसी दौरान हिंसा भड़क गई। राज्य में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं तथा काफी लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं। आग में घी का काम। गौरतलब है कि मणिपुर में लगभग 1000 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने कांगपोंगपी जिले के एक और गांव पर हमला किया, मकानों में लूटपाट की, उनमें आग लगाई, हत्या की तथा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें घुमाया गया। यह घटना 4 मई की बताई जा रही है। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरा देश आक्रोशित हो गया और घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मामले में 21 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आदिवासी महिलाओं के अपहरण और उनसे शर्मनाक बर्ताव से पहले हुए जुल्म की दास्तां का उल्लेख था। गृह मंत्री ने किया था राज्य का दौरा। मणिपुर में जारी हिंसा को कम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था। उन्होंने वहां रहकर दोनों समुदाय के लोगों से बात भी की थी। बाद में राज्य में स्थिति सामान्य हो रही थी, लेकिन महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद राज्य में दोबारा स्थिति खराब हो गई। सड़क से लेकर संसद तक चल रहा है विरोध प्रदर्शन। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन जारी है। 4-5 दिन से पार्लियामेंट ठप है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस अर्थात इंडिया के घटक दलों ने मानसून सत्र के तीसरे चौथे दिन यानी सोमवार मंगलवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में आकर दोनों सदनों में बयान देने और इस पर चर्चा की मांग जारी रखी। इन पार्टियों के सदस्यों ने अपनी इस मांग को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया, जो अभी भी जारी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने उच्च सदन में कार्य स्थगन का प्रस्ताव वाले नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग करते हुए नोटिस दिए। मानसून सत्र अब तक मणिपुर हिंसा की भेंट में भेंट चढ़ चुका है। लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। विपक्षी दल मणिपुर मामले को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं और आज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब संसद में
विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किए जाने वाला है, जिसका मकसद सरकार को, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को, सदन में आकर के बयान देने के लिए मजबूर करना है। तो देखते हैं इसका क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।